सुनो, ओवरथिंकिंग मत करो। अगर किसी के मैसेज या कॉल का इंतजार कर रहे हो तो चिंता मत करो। ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस और गैप्स होने भी जरूरी हैं। इनसे अक्सर हमें दूसरों की अहमियत का एहसास होता है, आपको उनकी और उन्हें आपकी। अगर अकेले हो, ये सोच रहे हो कि ना मेरा कोई दोस्त है, जो हैं वो भी फेक हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो कोई बात नहीं। ऐसी दिखावे की दोस्ती होने से बेहतर है ना होना। आप अगर हमेशा दूसरों के लिए चीजें करते हो, उनकी जरूरत पे उनके साथ खड़े रहते हो, पर जब बारी आपकी आती है तो आपको अकेला छोड़ दिया जाता है, कोई एक नहीं आता, तो कोई बात नहीं। अकेलापन इंसान को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है। दूसरों को छोड़ो, अपने आप को डेवलप करो, ग्रो करो और अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। जो दिया है खुदा ने, बस उसका शुक्रिया अदा करो और आगे बढ़ो। अगर करियर की भी टेंशन है तो कोई बात नहीं, सोचो जरूर, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ये मत सोचो कि कभी कुछ कर नहीं पाओगे। हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेता है, चार पैसे भी कमा लेता है। कुछ बेहतर बनने के लिए कुछ बेहतर करना भी होगा। जिंदगी में जो बनना है बनो। ये मत सोचो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, वो भी जिंदगी में वही बनता है जो वो चाहता है। अपने अंदर झांको और खुद से पूछो कि तुम क्या कर सकते हो। जो इंसान जिस चीज में बेहतर होता है उसे वही करना चाहिए। दूसरों को मत देखो, खुद के अंदर झांको कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटीज हैं। अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकालो और खुद की कैपेबिलिटीज को चैलेंज करो। ये रात रात भर जाग के बेवजह अपना वक्त जाया मत करो। हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा और बेचैनी होगी, वो अलग। ये जो एज है ना तुम्हारी, उसमें लाजमी है इस तरह की परेशानियां आना, पर चिंता मत करो। ये वक्त है जो वक्त के साथ साथ गुजर जाएगा। लोगों के बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। लोग आते हैं जाते हैं, पर तुम और तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुम्हारी पहचान है। उसे मत खो, कभी किसी के लिए मत खो। अब सुनो, आराम से सो जाओ।